अस्सलामुअलैकुम ग्रिप एंड ट्रिप का नया एपिसोड और आप मेरे पीछे देख रहे हैं पॉड्स और दो पॉड्स हैं और दो ही पीछे से बशिंदे आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वो वाला ग्रुप एक्टिव हुआ है टूर के लिए जो दो साल बाद एक्टिव होता है। हम लोग ग्रिप एंड ट्रिप जो मैंने पहला स्टार्ट किया था वो मैंने अपने इसी ग्रुप के साथ किया था। हम थंडर वैली गए थे, हमारा पहला वीलॉग ग्रिप एंड ट्रिप का वो था। और पीछे आपको गुलरेज सरदार खान साहब भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल मैं ये रहा। पूछा किसी ने आपको, मैंने पहले भी इनका तारुफ करवाया था। 7 साल बाद ये आयरलैंड से आए हैं और अब ऑब्वियसली का लफ्ज बोलते हैं और टेक इट इजी भी कह देते हैं इंग्लिश में, तो इस मौके पर इनको पहले मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एक्सेप्टेड, आई अप्रिशिएट। ये लोकेशन यहाँ पे कंपैरेटिवली नीचे के मौसम से तो बहुत बेहतर है। लाहौर से जब हम निकले थे 41 टेम्परेचर था, तो यहाँ पे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। सो एक चीज तो श्योर है कि यहाँ पे रात बहुत ठंडी होने वाली है। हाँ। लेकिन अभी हमने ये सोचा है कि हम आगे की तरफ जाएं और थोड़ा सा। हाँ, समी साहब का ये मशवरा था। समी साहब इस तरह के मशवरे ज्यादा देते हैं कि जिसमें ज्यादा हैसल ना करनी पड़े। वो कह रहे हैं कल की रात भी इधर ही रुकते हैं क्योंकि हम चिल करने आए हैं, तो हमने इनकी बात मान ली है। वैसे नारायण की सीरीज में हमने मानोर वैली जाना है, शिंक्यारी हट्स जाना है, संबक्सर लेक जाना है और लालाजार जाना है। नारायण के हम न्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कितने पॉइंट्स कवर हो सकते हैं, क्योंकि मानोर वैली का मुझे पता चला कि वो अभी बंद है। वहां पे 15-20 दिन पहले एक सैलाब आया था, छोटा सा सड़क खराब हो गई है। तो आपको मैंने अपना सफर दिखाना था बालाकोट से जब हमने नाश्ता किया, लेकिन मैं आपको सफर दिखाऊंगा हजारा एक्सप्रेस वे, जहाँ पे हमारे साथ एक एक्सीडेंट होते होते रह गया, अल्लाह ने बचाया। और समी साहब का उसकी वजह से मूड भी थोड़ा खराब है, जाहिर बात है। इट हैपेंस तो उसको वो डिवाइडेड बाय 4 करना चाह रहे हैं, लेकिन अब्दुलरहमान क्योंकि खुद एचआर में, उनको पता है कि ये सारी पॉलिसी है, इनकी गाड़ी का जो हुआ है वो इनका पूरा हो जाएगा, हम इनको कोई पैसा नहीं देने वाले इंशाल्लाह। आज के एपिसोड में हम आपको सफर दिखाएंगे बालाकोट से शरान जंगल का और जाएंगे कैंपिंग पॉट तक। यहाँ पे और भी कैंपिंग पॉट्स बन गए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा होटल्स भी बनते जा रहे हैं और कुमराट वाला सीन यहाँ पे भी चल रहा है। फटाफट शरान आ जाते हुए वेह लो, 2 साल बाद वेखन वाला नहीं रहना। इनको भी मैं इसलिए ले आया हूँ, ये पहली दफा आए हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम कैंपिंग पॉट्स पे चलते हैं और यूथ हॉस्टल के करीब वहाँ पे चल के कुछ चाय शाय पीते हैं और सारा सफर आपको दिखाते हैं। अभी हमारे साथ ये ट्रेजेडी होते होते बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम लोग तकरीबन 100 की स्पीड पे थे। नहीं, 100 की स्पीड पे थे, अभी ज्यादा नहीं थे। और हम यही बात कर रहे थे, हजारा एक्सप्रेसवे के ऊपर जानवर अक्सर क्रॉसिंग कर जाते हैं, और अभी हम ये बातें कर रहे थे तो उधर से एक कुत्ते ने फुलटा सी जंप लगाई है और सीधे गाड़ी को लगा आके, और समी साहब ने कुछ एक्सपर्टीज दिखाई है अपनी, और लोग यहाँ पे रुक भी नहीं रहे थे। ये मैं गुलरेज साहब क्योंकि आयरलैंड 7 साल रह के आए हैं, तो इनके ख्याल अभी तक बदले नहीं है पाकिस्तान के बारे में। मैंने कहा था किसी ने नहीं रुकना, और तकरीबन 50 गाड़ियों को हाथ दिया है, तो एक बंदा रुका है, वो भी इस वजह से कि वो कह रहा था कि मुझे आप बंदे ना देखे देखे लग रहे थे, और उसने बड़ी हेल्प की। तो हमने शीट ये उतार दी है, इसको अब बालाकोट चल के उतरवा लगाते हैं और फिर वहीं से नाश्ता भी कर लेंगे। मीनवाइल ये है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, समी साहब की आँखें कुछ ज़्यादा खुल गई हैं, बहुत ज़्यादा खुल गई हैं, अल्लाह ने इनको हदायत दे दी है। और ये तो सोए हुए थे, मैं वैसे ही बड़ी आराम से गाड़ी चलाता हूँ, तो मैंने इनको उठाया भी नहीं। मैंने फ्यूल का मानसेरा से डलवा लेंगे, अभी ये ज़रा 2-3 घंटे सो लें क्योंकि आगे गाड़ी इन्होंने चलानी है, तो मेरा ख्याल है अब लाहौर वापसी तक यही चलाएंगे इंशाल्लाह। हमारे इस टूर में एक बैड लक हो गई है जी, वो मैं अभी टीम को नहीं बता रहा, मुख्तियार ने मैं बताई है। मुख्तियार एज यूजुअल मेरे साथ है, मेरे सारे टूर भी ये अरेंज करता है, और शरान भी हम इसके साथ ही गए थे। इसने वो गाड़ी चेंज कर ली है, कलर किया है,
एक तो 6 महीने बाद गड्डी चेंज कर लेता है, पता नहीं लगता कौन सी की है। मुख्तार बता रहा है कि बड़े अच्छे कैंपिंग पॉट उससे पहले भी बन गए हैं, यूथ हॉस्टल की ऑप्शन भी अवेलेबल है और उन कैंपिंग पॉट्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, कितनी देर का सफर है ये? 1.5 घंटे का। 1.5 घंटा भाई, एक और खुशखबरी, 1.5 घंटे का सफर है, मैं 2 घंटे का बता रहा था, तो निकलते हैं इंशाल्लाह। शरान जंगल का रास्ता पारस से निकलता है जो कि वाई से 6 किलोमीटर आगे है। आजकल नॉर्दर्न एरियाज में भी काफ़ी गर्मी है जिसकी वजह से दरिया कुनहार का पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। शरान जंगल में 2 साल बाद जा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं शरान जंगल पर एक वीलॉग बना चुका हूँ, लेकिन सुना है कि अब जंगल में काफ़ी नए कैंपिंग पॉट्स भी बन गए हैं। अपने किसी भी वीलॉग में पिकनिक स्पॉट की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाने का ये मकसद होता है कि आपको बेहतर अंदाज़ा हो सके अपना ट्रैवल प्लान करते वक्त। रास्ते की बात करें तो ये वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था, मगर आज क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए हमें बहुत जल्दी है पहुँचने की, वैसे भी रात भर से हम सफ़र कर रहे हैं। KP के गवर्नमेंट वाले पॉट्स इस दफ़ा हमें नहीं मिल सके, वहाँ बुकिंग फुल थी। अब मुख्तियार ने बताया है कि वहाँ प्राइवेट पॉट्स भी बन गए हैं। ये खम्भे नए लगाए जा रहे हैं, दूर से देखने पर ये छोटे लग रहे थे मगर करीब आने पर पता चला कि ये किस कदर बड़े साइज़ के हैं। इस एरिया में जो सुक्की किनारी डैम बनाया जा रहा है ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाए जा रहे हैं। हमें जीप में बैठे तकरीबन 25 मिनट गुजर गए हैं और अब टेम्परेचर में हल्की सी कमी आई है। ये है जी नए कैंपिंग पॉट्स बने हैं। शरान का जो मेन कैंपिंग पॉइंट है उससे तकरीबन 20-25 मिनट के पहले आ जाता है, और वाह इसकी बालकनी का व्यू बहुत ही आबल है और टेम्परेचर भी बदल गया है। इसके नीचे कमरे भी हैं, ये कमरों की लॉबी है और ये हमारी लॉबी है। यहाँ से आपको शोगरा नज़र आ रहा है, वो सामने ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये शोगरा हैं और ऊपर पाए, और ये है हमारी बालकनी। सेगमेंटेशन ये किया है कि 2 यहाँ पे सो जाएंगे बशिंदे, एक ये सोफा कम बेड है और इसके पीछे ये मैट्रेस लगा हुआ। वॉशरूम भी देख लेते हैं इसका, एक खूंटी कपड़े टांगने के लिए। अभी हम लोग 11 बजे आ गए थे पॉट्स में, और पॉट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, 4 लोग यहाँ पे इजीली रह रहे हैं। इवन के जो KPK के अपने पॉट्स हैं वो 4 लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आप हिलजुल नहीं कर सकते ज़्यादा, बिल्कुल वो एक यू कैन से स्लिम एंड स्मार्ट सा मॉडल बना हुआ है। और ये काफ़ी बड़ा है, और ये मेरे पीछे देखेंगे अभी तक सोए हुए हैं, और मैं पिछले 1 घंटे से उठ के रेडी भी हो गया हूँ, और मुझे फिर पूछे जा रहे हैं यार तू नहीं जाना।
दो। कुछ लोगों के पास दो फोन है जो उन्होंने घर से छुपा के रखे हुए हैं, दूसरे फोन वो यहाँ पे आके चार्ज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये देखें, मेरी तो चले मजबूरी है ना कि मैंने ड्रोन चार्ज करना है, उसकी कनेक्टर चार्ज करना है, मैंने गोप्रो चार्ज करना है, मेरे पास वैसे दो फोन है, इन्हें कड़ी मजबूरी है, चेक करो जी। अच्छा बादल आ जाते हैं बीच में, चेक करें, ये हमारी बैल्कनी है जी, वो सामने नीचे आपको सड़क नजर आ रही है और पूरी वैली के ऊपर पैचेस की सूरत में शेडोज है, कहीं पे छांव है और कहीं पे धूप। यार उठ जाओ यार। अच्छा ये देखें, मैंने इनके लिए मैंगो भी मंगवा ली हैं और अब ये काटने से आ रही हैं कि नहीं तुसी कटो तो सानू खुआओ। अक्सरियत का जो फैसला है उसके साथ हम जाएंगे कि हम लोग आज आबशार वाला ट्रैवल नहीं करते, आज हम चलते हैं कैंपिंग पोर्ट यूथ हॉस्टल वाली साइड पे, थोड़ी जंगल में वॉक कर लेते हैं और उस जगह पे बैठ के थोड़े से अपने कुछ ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं और अपने कुछ लिंक्स बना लेते हैं। यहाँ से 25 मिनट का रास्ता है हार्डली पोर्ट्स का, और वैसे भी अब चढ़ाई नहीं है, अब हमने नीचे की तरफ जाना है। और अब मैं ज़रा कैमरा बंद करके ना अपने तरीके से इनको उठा लूँ। लेडीज चेक करते हैं, हमसे पहले ही लगता है व्हाट्सअप कुछ कर रहे हैं जी। व्हाट्सअप ये क्या हो रहा है? आपकी खिदमत ही हो रही है भाईजान। मैंने कहा जितनी देर में आपने उठना है, वैसे उठे तो आप एक घंटे से हैं और अभी तक आप वैसे बूथी लेके बैठे हुए। मैंने कहा मैं आम काट दूं और अगर ज्यादा लेट करेंगे तो फिर मैं खा भी जाने ने। बाकी आपने मौसम चेक किया? जब आए थे तब धूप काफी तेज थी और अभी जो है वो सिलसिला चेक करें, बड़े बेहतरीन मौसम है, फुल ठंडी हवा चल रही है। नीचे से सड़क दिखाई, ओ नीचे सड़क का घर नजर आए। अच्छा ये आम हमने बालाकोट से ले लिए थे और बड़ा ही अच्छा फैसला था क्योंकि दो टाइम का खाना है देखा जाए तो। और अभी हम आम का जो है ना वो यबन कटीटा करेंगे। When the time is right and I'm not alone, I will conquer this and bring you home. When this world has stopped and the breeze is up, when the time is right, I'll sing you a song. When the horn don't blow, I'ma let you know. When the story fails, I'ma be the tale. When your spirit's out and you're full of अभी कैंपिंग पॉट्स पे कोई स्कूल आया हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टीचर हैं, छोटे बच्चे हैं मैट्रिक ओ लेवल में भी, और हम लोग उसी साइड पे आगे जा रहे हैं जहाँ पे मैं पहले गया था। लेकिन आज हम जो जहाँ पे आलू की उन्होंने काश्त की होती है उस साइड पे भी जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे एक देखें, एक पानी के चश्मे की आवाज़ आ रही है मुसलसल, और इतनी डिफरेंट आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की जो आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते उनको। और हम डीप इनटू जंगल जाते जा रहे हैं, ये देखें।
ये इस वक्त नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो पहाड़ है ये पूरा सराउंडेड बाय क्लाउड्स है। बहुत ही खूबसूरत सीन है। ओके यार, हंसते सही, वेट करो। और ये लोग भी आपस में बातें नहीं कर रहे, शायद नेचर को फील कर रहे हैं। अब्दुलरहमान को लेकिन टेंशन है कि सिग्नल नहीं आ रहे। ये देखें जी, सामने वाला पहाड़ जिसको बादलों ने घेरा हुआ था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, और हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टे लगाया है। ये बैठी हुई है मेरी कबीना। 2015 में हमने स्कर्दू का टूर किया था, और आज 2023 में मुझे समी ने बताया कि जो हमने 2015 में टूर किया था ना, वो थोड़ा महंगा था, उसको सस्ता भी किया जा सकता था। 8 साल का भी रिकॉर्ड इसके पास मौजूद है, और इसने आज गिला किया कि वो ट्रिप क्योंकि तुमने ऑर्गेनाइज़ किया था तो हमने महंगा कर लिया था। मैंने कहा जी क्यों महंगा क्यों किया है, तो कहता है यार उसमें जो हमने ट्रैवल किया था ना गाड़ियों पर, वो हमें ना लोकल पर ट्रैवल करना चाहिए था। नहीं बट सर वो पॉसिबल नहीं था, मुझे अभी याद आया। अभी हम लोग शरान जंगल में, पाकिस्तान का थिकेस्ट फॉरेस्ट है, घना तरीन जंगल है। मैं उर्दू में भी बता दूं ताकि समी को भी समझ लग जाए। और यहाँ पे रीछ बकसरत पाया जाता है, छोटे साइज का रीछ है, वो इतना डेंजरस नहीं होता। चीता मुख्तियार ने देखा है पिछले साल यहाँ पे 2-3 दफ़ा, और शेर आप इस वक्त देख रहे हैं कैमरे में। तो शाम होने वाली है, तो हम ट्रैक करके जंगल में काफ़ी पेनिट्रेट कर चुके हैं। अभी आगे चलते हैं, वापस चलते हैं बल्कि, और वहाँ पर भी एक दो ड्रोन शॉट्स बना लेते हैं और वापस अपने पॉड्स में चलते हैं। मौसम ठंडा हो गया और हम सर्दी ही ढूंढ रहे थे, बहुत गर्मी है शहर में, इवन के किवाई में भी बहुत गर्मी थी। अच्छा जी, जो शरान फॉरेस्ट का, जैसे हमें बट साहब ने इस दफ़ा कन्विंस किया था कि ये हमें ट्रिप करना है, और ये थिकेस्ट फॉरेस्ट और इसकी बहुत सारी उन्होंने क्वालिटीज बताई थी, और नो डाउट जो यहाँ पे आके हमें नेचर की एक जो फील आई है ना प्रॉपर इसके रॉ होने की, जो कि शुरू में कभी कुमराट के बारे में हम सुनते थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप नेचुरल फील करते हैं, और जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अभी टूर्स होने की वजह से ये चीज़ें आपको बहुत कम मिलती हैं, तो यहाँ पे एक नेचुरल सीनैरिटी और ओवरऑल एक कामनेस, बिल्कुल एक खुशरार सी चुप है जिसकी तलाश में हम आए हैं इतनी दूर से। सो बिलाशुबा बहुत एक सुकून की जगह है, इर्द गिर्द परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं। जैसे अब्दुलरहमान बात कर रहे थे कि चुप है यहाँ पे, तो उस चुप के अंदर जो परिंदों की आवाज़ें हैं वो एक ऐसा मंजर बन रहा है कि दिल करता है कि यहाँ बैठे रहो और इस मंजर को एंजॉय करते रहें। तो इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम यहाँ पर एक नाइट और स्टे करेंगे और yes. इस सीन को जो है वो इन कैंपिंग पॉट्स के ऊपर भी मैं एक मुकम्मल व्लॉग बना चुका हूँ, आप लोगों को बड़ा पसंद आया था। और ये अंदर से कैसे हैं और यहाँ पे नाइट एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ पे पहुँचना, ये सारा मैं कर चुका हूँ। इसलिए इन पॉट्स को मैं अपने इस व्लॉग का हिस्सा नहीं बना रहा, क्योंकि वो फिर रेपिटेशन हो जाएगी। इसमें ज़रा मैं आपको डिफरेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, और अगर आप कहीं और रुकना चाहें तो उसका क्या सिलसिला है, और उसके अलावा कहीं और रुकते हुए आप कहां कहां जा सकते हैं। यूथ हॉस्टल जो है यहां पे, इन्होंने भी काफ़ी एडिशन कर लिया है। इन्होंने 1, 2, 3, 4 तो इन्होंने हट्स बना लिए ना, और उसके अलावा टेंट काफ़ी ज़्यादा यहां पे मौजूद हैं। ये अंदर से चेक कर लेते हैं अंदर से कैसा है, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ पूछ लेते हैं कि बिजली का क्या सीन होता है यहाँ पे, और उसमें ट्राउट है। अच्छा, सामने एक छोटा सा उन्होंने ट्राउट के लिए फार्म रखा है, पहले वो तो देख के आइए ना। यहाँ पे जो हट्स हैं उनको चल के देख लेते हैं, उनमें कितनी कैपेसिटी है, उसका क्या किराया और क्या फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा जी, ये डबल बेड हो गया, ये एक हो गया साथ मैट्रेस, और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेस भी लग सकता है, यहाँ से 5 लोग भी रह सकते हैं। ये हमारी आ गई विंडो, चेक कर लेते हैं व्यू क्या मिल रहा है हमें।
ये पीछे जंगल का व्यू है जी। इसके चार्जेस वो बता रहे हैं 6,000, तो इस लिहाज से हमें जो मिला हुआ है वो 6,000 रुपये में काफ़ी अच्छा मिल गया। तो शरान जंगल का ये सफ़र आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम लोग ऑल द वे रात को निकले और यहाँ पहुँचे, हमने बुकिंग करवाई और हम नीचे पोर्ट्स तक जो केपी के गवर्नमेंट के पोर्ट्स हैं वहाँ गए, जंगल को एक्सप्लोर किया और अभी हम काफ़ी थक गए हैं क्योंकि दो दो तीन तीन घंटे सोए हुए हैं हार्डली। और लेकिन शाम यहाँ की वाकई बहुत खूबसूरत है। इस एपिसोड के बारे में कमेंट्स कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा मुझे नारायण सीरीज़ के बारे में। और इंशाल्लाह इस दफ़ा की जो नारायण सीरीज़ है इसमें हम कोशिश करेंगे कि नए पॉइंट्स करें जहाँ पे मैं पहले नहीं गया या अगर गया वो तो वीलॉग नहीं बना हुआ, तो उसको हम अपने इस सीरीज़ में ऐड करें। अल्लाह हाफिज़। ग्रिपन ट्रिप के अगले एपिसोड में हम लोग वो काम करेंगे जो नारायण ट्रिप में फर्स्ट भी है और मेरा फेवरेट भी। और अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरत तीन सड़क नारायण बाबूसर रोड का सफ़र देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर कहानी सुनना चाहते हैं एक ऐसे किले की जो जहेज़ में दिया गया तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप पर मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।